दोस्तों दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 5 सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे राकेश यादव के क्लास नोट्स के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 25 के वीडियो सॉल्यूशन। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो अब सबसे बड़ी चीज है, मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। देखो मैं अपने वे से समझाऊंगा ताकि आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे देखो ये क्वाड्रेंट था, ये एक्स एक्सिस था, ये एक्स डैश एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये वाई डैश एक्सिस। यहाँ पे क्या था, जीरो या 360, क्योंकि रोटेट होके कोई भी चीज वहीं वापस आ जाती है, सर्किल बन जाता है, तो क्या होता है 360 का एंगल हो जाता है। ये मैंने बताया था आपको क्या होता है 90 डिग्री, ये मैंने बताया था आपको क्या होता है 180 डिग्री, और ये पॉइंट जो होता है ये क्या होता है 270 डिग्री। तो आपको एक बात याद रख लेना, जैसे तुमसे जैसे देखो एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा ये कहलाता है आपका एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी लाइन होगा ना उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जैसे देखो हमारे साथ साइन 360 प्लस थीटा, अब तुम सोचो 360 देखो यहाँ से चला होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो आ गया होगा, यहाँ जब आ गया होगा देखो यहाँ से 360 प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आल पॉजिटिव, यानी कि साइन क्या हो जाएगा थीटा ही हो जाएगा। अगर कॉस देखो दूसरी बात, कॉस बोल देता, देखो कॉस बोल दिया कि 180 माइनस थीटा, तो अपने से सोचो 180 ये है, इसमें से थोड़ा सा कम यानी इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं टेन 180 प्लस थीटा। देखो टेन 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ पे है, थोड़ा सा इससे यहाँ पे बड़ा प्लस थीटा, यानी यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है पॉजिटिव, यानी क्या हो जाएगा टेन थीटा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो पॉइंट। अब क्वेश्चन तुमसे ये कहता है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी किसी चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष हैं। लो चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है मैं आपको बता दूं, ये सर्किल है, सर्किल में ऐसे बन जाता है चतुर्भुज, तो इसमें क्या होता है ए बी सी डी चतुर्भुज होते हैं। इसमें क्या होता है ये जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल यानी कि कोण ए प्लस कोण सी की सम कितना होता है 180 डिग्री, उसी तरह ये कोण बी डायगोनल वाला, इसका और इसका कोण डी, ये अपोजिट वाले और इसका इसका सम कितना होता है कोण बी प्लस कोण डी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अब अपने से सोचो, देखो मैं कॉस ए, ठीक है कॉस ए को ऐसे ही लिख देता हूँ, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस बी कॉस बी को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, कॉस बी को भी लो लिख देता हूँ कॉस बी, कॉस सी, कॉस सी देखो यहाँ से C इज इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस कोण ए, लो cos C को मैं लिख सकता हूँ, cos C की वैल्यू कितनी है 180 माइनस ए, प्लस cos D, D को यहाँ से लिख सकता हूँ, D को क्या लिख सकता हूँ 180 इधर ले जाऊँगा माइनस B, लो D को cos D की वैल्यू क्या हो गए 180 माइनस कोण B। अब अगेन आप देखो मैंने आपको समझाया था 180 माइनस थीटा, देखो 0, 90, 180, 270, मैं तो समझाने के लिए कहता हूँ 180 में से थोड़ा सा कम, इधर ज़्यादा बढ़ रहा है एंगल, थोड़ा सा कम, इस केस में क्या होता है सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है कॉस निगेटिव होता है। तो देखो ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस ये तुम्हारा क्या होगा कॉस बी, देखो यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ये देखो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो कौन 180 माइनस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉस क्या होता है इसमें निगेटिव होता है, केवल साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस ए बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा माइनस कॉस बी, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा आपका जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन 10 साइन 20 प्लस साइन 340 प्लस साइन 310। अब आपके माइंड में थोड़ा सा ये बता दूं, मैं थोड़ा सा इसको देखो क्या कर रहा हूँ, देखो तुम अपने से सोचो साइन इसको मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस 10 डिग्री, उसी तरह मैं इसको लिख सकता हूँ साइन क्या लिख सकता हूँ साइन 360 माइनस 20। अब अगेन मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, ये होता है 360 या जीरो, अब 360 से थोड़ा सा छोटा इस कोऑर्डिनेट फोर्थ कोऑर्डिनेट में, ये फर्स्ट होता है सेकेंड होता है थर्ड और पॉजिटिव, इसमें क्या होता है
साइन क्या होता है, निगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन 20 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन 10 बन जाएगा। तो देखो साइन 10 माइनस साइन 10 कैंसिल, साइन 20 माइनस साइन 20 कैंसिल, इस तरह से कैंसिल होता चला जाएगा। लेकिन बीच में कहीं तो एक जगह पे होगा साइन 180, कोई दिक्कत है, तो साइन 180, अब देखो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, देखो साइन, क्योंकि बीच में ऐसे करते करते एक जगह साइन 180 भी होगा, तो साइन 180 की वैल्यू क्या होगी, देखो साइन 180 प्लस जीरो लिख सकता हूँ, साइन 180 प्लस जीरो। अब देखो साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, देखो ये देखो 180 होता है ना, 180 पे क्या होता है, साइन की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी ये क्या हो जाएगा, देखो 180 प्लस थीटा, थोड़ा सा इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है, माइनस साइन क्या हो जाएगा, जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो इस तरह से इसकी वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी, जीरो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक मैंने क्या पढ़ा था, एक्स एक्सिस के अलोंग था तो कोई चेंजिंग नहीं होती थी, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग कोई भी लाइन है, जैसे ये 90 है और ये 270 है, तो इसमें चेंजिंग होता है। अगर वाई एक्सिस की बात किया जाए तो इसमें चेंजिंग होता है, अगर वाई एक्सिस यानी कि 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे चेंजिंग होगा। तो देखो क्या चेंजिंग होता है, साइन बदल जाता है, साइन थीटा बदल जाता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा बदल जाता है साइन थीटा, उसी तरह टैन थीटा बदल जाता है कॉट थीटा में, और कॉट थीटा बदल जाता है टैन थीटा में, कोसेक थीटा बदल जाता है, देखो कोसेक थीटा बदल जाता है सेक थीटा में, और सेक थीटा बदल जाता है कोसेक थीटा में। ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, ये बातें याद रखनी है। अब जैसे देखो तुमसे कह दिया, देखो मैं टैन 270 प्लस थीटा, देखो 270 से यहाँ पे 360 बन जाता है, 270 से ज़्यादा ये वाला कोऑर्डिनेट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको एक चीज़ पता है कि क्या पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, टैन तो निगेटिव होगा, लेकिन टैन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, कॉट में चेंज हो जाएगा और निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, देखो साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन साइन यहाँ भी निगेटिव होता है तो हमने निगेटिव डाल दिया, और साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, क्योंकि वो 90 और 270 पे ये चेंजिंग होती है। ठीक है, अब तुमसे बोल दिया जाए सेक 90 प्लस थीटा, सेक थीटा तो यहाँ पॉजिटिव होता है, लेकिन सेक किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉसेक में, कॉसेक, देखो एक सेकेंड, देखो सेक अगर, हाँ देखो सेक 90 प्लस थीटा की बात किया जाए, देखो सेक 90 प्लस थीटा, 90 ये है, 90 प्लस थीटा, इस केस में कौन से क्वाड्रेंट हो, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या साइन और कोसेक पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, निगेटिव, लेकिन सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में। ठीक है, तो कोसेक माइनस कोसेक थीटा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वाड्रेंट चेक करना जरूरी है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो कैसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हैं, इनका हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, ये एज ए फार्मूला बोल लो ये चीज़ें, या प्रॉपर्टी बोल लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे a प्लस बी अगर 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b की वैल्यू क्या होती है, 1, कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b की वैल्यू क्या होती है, 1, कब, जब a और b क्या हो, 90 डिग्री हो, साइन a और सेक b की वैल्यू क्या होती है, 1, उसी तरह कॉसेक a कॉसेक b की वैल्यू क्या होती है, 1, टैन a टैन b की वैल्यू क्या होती है, 1, कॉट a कॉट b की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, साइन a इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस b, कब होगा, जब a प्लस बी की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री, है क्वेश्चन में मेंशन है, यदि, उसी तरह टैन a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉट b। ठीक है, और कॉट a इंटू कॉट b क्या होता है, 1, साइन a इज इक्वल टू कॉस b हो जाता है, टैन a इज इक्वल टू कॉट b, कॉस a इज इक्वल टू सेक b। अब ये कब कब होगा, सारा का सारा चीज़ कब होगा, जब a प्लस बी की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो। जैसे देखो इसके हम प्रूफ भी करेंगे, क्वेश्चन वाइज प्रूफ भी करेंगे, जैसे देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, अगर मेरे से डायरेक्ट लिखना होता है a प्लस बी की वैल्यू इतनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b की वैल्यू क्या होती है, 1, ये हमने रिजल्ट पढ़ लिया है। अगर इसको प्रूफ करने के लिए आ गया, तो देखो हम a प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया 90 डिग्री, कोई दिक्कत है, तो b की वैल्यू निकाल लें, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर भेज दूँ इसको, तो 90 माइनस a, फार्मूला रख लूँ यहाँ पे, देखो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b के जगह पे क्या रखूँगा, 90 माइनस a। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बता दूँ, ये क्या होता है 90 डिग्री, 90 माइनस ए, 90 से छोटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ऑल पॉजिटिव, देखो
90 माइनस थीटा ना, ठीक है, तो आल पॉजिटिव होते हैं और साइन क्या 90 के एक्सिस वाई एक्सिस पे चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाता है 1। तो हम इतना ये तो समझाने के लिए किया था, डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट होता है ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जैसे देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टेन ए इंटू टेन भी क्या होता है 1 होता है, लेकिन इसका प्रूफ करना है तो प्रूफ मैं समझा देता हूँ, डायरेक्ट हम आंसर करेंगे, ठीक है। प्रूफ क्या है देखो, मैं क्या प्रूफ के लिए, अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, देखो टेन ए, टेन ए को ऐसे ही रहने दो, देखो यहाँ से बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस ए, तो देखो टेन बी के जगह पे क्या लिखूंगा 90 माइनस ए। अब देखो टेन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा टेन ए, ये तो रहेगा ही, लेकिन ये क्या हो जाएगा 1 बाई ये बन जाएगा कॉट ए, क्योंकि टेन किस में होता है चेंज होता है कॉट में, तो यहाँ पे कॉट ए बन जाएगा, और इसको मैं लिखना चाहूँ तो टेन ए इंटू कॉट क्या होता है 1 बाई टेन थीटा, यानी कि टेन ए कैंसिल हो गया क्या बन जाएगा 1। तो हम इतना ना करके हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो साइन ए इंटू सेक बी, मैंने अगेन फार्मूला बताया कि साइन ए इंटू सेक बी, साइन ए इंटू देखो यहाँ पे साइन ए इंटू सेक बी क्या होता है 1 जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो, तो अगर इसका मेरे को करना हो तो डायरेक्ट वैल्यू 1 लिख देता, लेकिन अगर आपको प्रूफ करना है थोड़ा सा, तो देखो साइन ए को ऐसे ही रहने दो, सेक बी, सेक बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 माइनस ए, तो लो बी की वैल्यू हमने निकाल लिया 90 माइनस ए, तो देखो यहाँ पे सोचो बी की वैल्यू लो, मैं रख देता हूँ यहाँ पे सेक 90 माइनस ए, साइन ए को ऐसे ही रहने दो, साइन ए इंटू सेक 90 माइनस ए, सेक नाइन सेक किस में चेंज हो जाता है कोसेक ए में, कोसेक ए में, और यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव, तो देखो साइन ए का साइन रहने दो, कोसेक को लिख सकता हूँ ये किसका अपोजिट होता है साइन ए का अपोजिट होता है, यानी ये कैंसिल हो गया क्या बन जाएगा 1, तो ये भी क्या कहलाएगा आंसर। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को डील कर लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।